हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो ये चैनल है आपके लिए। आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैंने मंगवाया है डोर सीलर। तो ये आपने देखा होगा, डोर को नीचे से सील करने के लिए इस तरीके के फोम से बने हुए और ये फैब्रिक से बने हुए इस तरीके के लॉन्ग पाइप जैसे आते हैं, जिसे हम बॉटम सीलर या डोर सीलर बोलते हैं। तो ये मैंने पैक ऑफ 5 मंगवाया है डोर्स में लगाने के लिए। और इनकी लेंथ 3 फिट से ज़्यादा है। नॉर्मली दरवाजे 3 फिट के होते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आपका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो तो भी आप यूज़ कर लेंगे, इसलिए इसे बड़ा ही बनाया गया है। और अगर 3 फिट है, नहीं आ रहा है, मतलब लंबा हो रहा है, तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से पैक होके आया था। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ। और जब मैं इसे लगा लूँगी डोर पे तो भी मैं उसकी वीडियो या पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। और इसे लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि डोर के नीचे जो गैप होता है ना, उस गैप से कई बार आप देखे होंगे कि कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं। और इसे लगाने के बाद ठंडी हवा आती है, अगर बाहर से ठंड के समय आपको विंटर्स में हवा आती है ठंडी, तो भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगा उससे। और वॉइस वगैरह जो साउंड बाहर से आता है ना, वो भी इसे रिड्यूस कर देगा। तो मैंने इसे मेनली इसलिए मंगाया है क्योंकि डोर के नीचे से साउंड कम आए और प्लस विंटर्स में हमें नीचे से जो हवा आती है ना बाहर से, वो थोड़ा कम हो जाए, जिसके वजह से ठंड कम अंदर आए। क्योंकि मैं नॉर्थ में रहती हूँ तो नॉर्थ साइड बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए मैंने इसे मंगवाया है। तो बस इसे आपको क्या करना है, देखिए डोर इससे ज़्यादा चौड़े तो होते नहीं है, जो डोर होता है उसको आपको ऐसे नीचे लगा देना है और ये दोनों डोर के साइड में आ जाएंगे। तो डोर इसमें फंस जाएगा, जो डोर के पल्ले हैं वो फंस जाएगा डोर का, और ऐसे ये हो जाएगा। और अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो आप यहाँ, क्योंकि ये देखिए ये फोम से बने हुए हैं, तो आप लंबा हो रहा है तो कट कर लीजिए, और 3 फिट से ज़्यादा है तो ईजिली किसी भी डोर पे ये लग जाएगा। और ये फैब्रिक का बना हुआ है और ये फोम है, तो ये ईजिली वॉशेबल है। आप चाहें तो फोम निकाल के भी वॉश कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे फोम यहाँ से निकल जाएगा। और ये फैब्रिक का बना हुआ है, वो ब्रीथेबल फैब्रिक जो होता है ये उसका बना हुआ है, ये देखिए, तो ये उसका बना हुआ है, तो ये इजिली आपको लग जाएगा और आसानी से। ये इतना पतला है क्योंकि आपको ये पतला वाला पोर्शन ही डोर के नीचे डालना है ना, तो डोर के नीचे हमारे आधा इंच का तो गैप होता ही है। तो ये आपको इंसेक्ट्स वगैरह घर के अंदर कुछ भी इंसेक्ट ना आए, हवा ना आए, साउंड ना आए, इन सबसे, हवा मीन्स अब ठंडी हवा ना आए, वो सबसे बचाने के लिए ये डोर सीलर होता है। तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग इनकी प्राइजेस मिलेंगी। ये सेट ऑफ 5 था, तो इसे मैंने सेट ऑफ 5 में मंगाया है क्योंकि मुझे अपने सारे डोर्स पे लगाने हैं। कुछ पे साउंड एंड ठंडी हवाओं के लिए मुझे लगाना है, और बाकी पे बाहर से कोई इंसेक्ट, मतलब कॉकरोच वगैरह घर के अंदर ना आ जाए या कुछ भी अंदर ना आए, उसलिए मुझे डोर को सील करना है। तो मुझे ये अच्छा प्रोडक्ट लगा, मंगवाया है, यूज करके देखती हूँ कैसा है, फिर मैं इसकी पिक्चर्स और ये वीडियो साइड में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेंगे। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।